बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आजकल चल रही है डाइट, तो आज डाइट प्लान के डे टू की तरफ आ जाते हैं। अगेन आई एम हैविंग माय डिनर, और डाइट डिनर में आज मैंने क्या बनाया है। कल तो मैंने आपको बताया था मैंने एप्पल चाट खाई थी, तो आज खाने में मैंने बनाया है ये मूंग की दाल बनाई है। बहुत कम ऑयल का इसको तड़का लगाया है, और साथ एक अंडे की जो है ना सफ़ेदी है। वैसे कैमरे में मैं आपको ज़रा क्लोज करके दिखाती हूँ, ठीक है। मूंग की दाल में नो नथिंग है, सिर्फ मैंने सादी जो है ना उसको लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा लहसुन पाउडर डाल के ये बॉईल कर ली थी। फिर बहुत कम तेल में इसको तड़का बनाया था मैंने। साबुत लाल मिर्च, एक लहसुन का जवा डाला था, थोड़े से कड़ी पत्ते और अदरक पाउडर, उनको कड़का के तड़का लगा दिया था मैंने, भगार लगा लिया था, जो भी आप कह लें। तो ये मेरा डाइट रात का खाना डिनर जो है तैयार है, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से कल भी जो है डिनर शेयर किया है, तो आज का भी ये डाइट डिनर जो मैं ये खा रही हूँ मैं शेयर करूँ, कि शायद मेरी वजह से जो कोई डाइट करना चाह रहा है उसको कोई मोटिवेशन मिले, कुछ हौसला मिले। कि कौन कौन मेरे साथ है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अक्सर ऐसे ही डाइट करती हूँ, 1 महीने 40 डेज, फिर 1-2 चीट डेज कर लेती हूँ। लेकिन डाइट में भी ना ख्याल रखें, खाना बदल बदल के खाया करें, ताकि जो वो जज्बा है ना डाइटिंग वाला वो बरकरार रहे, हौसला ना हार दें आप। अच्छा, ये डाइट डिनर करने के बाद एज यूजुअल आधे घंटे में वॉक करूँगी। लेकिन सपोज़ आप 10 बजे या 9 बजे डिनर करते हैं और रात को 1-2 बजे आपको दोबारा भूख लग जाए, तो आप इसी दाल को निकाल के दोबारा गर्म करके खा लें, कुछ नहीं होगा। जैसे अभी खाया है ना, फिर आपको भूख लग गई रात को 1-2 बजे, आप निकले यार अब क्या खाऊं। तो इसी दाल को, सूप को गर्म करके, एक अंडा की सफेदी डाल के दोबारा रात में खा लें, कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई और जंक फूड नहीं, बर्गर नहीं खाने लग जाएगा कि चलो हमने 9 बजे और डाइट खाना खाया था अब बर्गर खा लेते हैं। नहीं, रात में भी अगर भूख लगे तो इसी को रिपीट कर लें थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ जो है ना आज का भी डाइट डिनर शेयर कर लूँ, कि भाई मैं कोशिश करूँगी, डेली तो नहीं कह सकती, मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन जो भी खाया करूँगी ना रात को डाइट में, मैं आप लोगों से शेयर कर लिया करूँगी कि क्या खाया मैंने। अच्छा, इसके अलावा खाना खा के जो मैं आधे घंटे वॉक करूँगी ना, तो उसके बाद लेट नाइट की, मैंने सुबह में ना घर का काम शुरू करने से पहले जीरा वाटर बना के रख दिया था। 8-10 घंटे जीरा भीगा रहता है ना, तो फिर ये अर्क बन जाता है जीरे का ये। तो ये जीरा वाटर मैंने बना के रख दिया था, इसका कलर भी देखें, अर्क छोड़ दिया जीरे ने, येलो हो गया। तो अभी रात में मैं ये भी 1 या 2 गिलास पी लूँगी, जो बच जाएगा वो फ्रिज में रख दूँगी, जीरा वाटर भी पी के ऊपर से सोऊंगी। तो जैसे वो जंग के लिए तैयारी नहीं करते, ये भी एक जिहाद होता है पूरा, डाइटिंग करना और वेट कम करना। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स से ना शेयर करूं कि मैं रात में क्या डाइट में खा रही हूं। उसके बाद चाय की मुझे आदत है, मैं चाय पीऊंगी, सोते टाइम ज़ीरा वाटर भी पी लूंगी। ज़ीरा वाटर को फ़ौरन नहीं पी लीजिएगा 1 घंटे में बना के, ज़ीरा वाटर को एटलीस्ट आप जो है ना 8 घंटे और अगर 10 घंटे रखें तो फिर ये बिल्कुल असर वाला ज़ीरा पाउडर बनेगा। इसमें थोड़ी सी कलौंजी भी है, और एक मॉर्निंग में सुबह जब मैं उठी थी, मैंने काम वाम शुरू किए थे, तो बना के टेबल पे रख दिया था, बॉइल्ड पानी डाल दिया था, 2 चम्मच ज़ीरा 1 चम्मच कलौंजी डाल के ऊपर से खौलता हुआ पानी डाल के ढक के रख दिया था मैंने। अब रात का डिनर करके जो टाइम बचेगा तो फिर उसमें मैं ज़ीरा पाउडर पी लूँगी। तो मतलब डाइट कब खाना चेंज कर कर के खाने का मकसद ये होता है कि आप बोर ना हो जाएं। उसमें मैंने थोड़ी सी ब्राउन प्याज भी डाली थी दाल में, ऑलिव ऑयल का तड़का लगाया था मैंने। अच्छा, डाइटिंग का एक और राज बताऊँ आप लोगों को, जब आप डाइटिंग कर रहे हो तो एक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया था मुझे, न्यूट्रिशनिस्ट ने, कि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल बढ़ा दें, कब्ज़ नहीं होने देता, सुन्नत रसूल है। तो मैं कुछ भी खाना बनाती हूँ ना उसके ऊपर 1 चम्मच ऑलिव, इस पर ही मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। खैर, डाइट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये तो सुन्नत है, इसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान आपको ऑलिव ऑयल कुछ नहीं देगा। हमारे अब्बा को अल्लाह जन्नत बख्शे कहा करते थे,
कि जो औरतें सारी उम्र ऑलिव ऑयल खाती हैं ना, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, बुढ़ापे में भी रिंकल्स नहीं आती, चेहरा टाइट रहता है। ऑलिव ऑयल खाने वाली जो कच्चा खाएं, पका के नहीं, मतलब आप जैसे मैंने दाल पका ली थी ना, फिर उसके ऊपर एक चम्मच मैंने डाल लिया था, सादा फुल्का आप खा रहे हैं उस पर लगा के खाएं। बेसन की रोटी मैं बना के खाऊंगी, मैं उस पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देती हूँ। जैसा आप खाएंगे वैसे आप नज़र आएंगे, है या नहीं? कभी कभी जाती हूँ, होटलिंग करती हूँ, खाती पीती हूँ, लेकिन आजकल तो यही चल रही है, डाइटिंग मेरे साथ है, और मैं आप लोगों को भी मिला लेती हूँ ना अपने साथ कि चलो कोई हो यार खाने की तो हौसला हो, अकेले दिल नहीं करता। आप लोग मेरे साथ हो ना, मुझे लगता है मैं घर वालों के साथ बैठ के खाना खा रही हूँ, बातें भी करती रहती हूँ। अब अकेले मैं ये दाल खाने बैठ जाऊँ, एक तो दाल, ऊपर से मैं अकेली, डबल जुल्म हो जाएगा ना, डबल डाइटिंग का समा हो जाएगा। तो फिर मैं आप लोगों को ले लेती हूँ साथ के, चलो यार कोई तो मेरे साथ हो, तो आप लोग भी आए बिस्मिल्लाह करें मेरे साथ ये जो है खाना खाएं, और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन, किस किस ने जज्बा पकड़ लिया डाइटिंग का, और कौन कौन मेरे साथ खा लेगा। खैर ऐसा खाना खाने के लिए बहुत हौसला चाहिए, इस पर आप थोड़ा सा सैलेड भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो कल फिर मैं जो भी खाऊंगी इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कल या परसों जब भी मुझे टाइम मिला आई शेयर विद यू। जब तक जो है अल्लाह हाफिज़, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।